एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर सही मिलेगा ही। सर्दी के मौसम में आपका एक प्यारा सा 2BHK का घर हो, जिसकी बैल्कनी में एक अच्छी सी धूप आपके चेहरे को छू रही हो, और जब आप खड़े हो तो सामने आपको इस तरह का पूरा खुला मैदान मिले, ग्रीनरी मिले, तो उसकी बात ही क्या हो। और फ्लैट अगर आपके पॉकेट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से मिल जाए तो सोने पे सुहागा। एक ऐसा 2BHK का फ्लैट है जिसे लिफ्ट है और बाइक पार्किंग है, 90% तक आप इसमें लोन ले सकते हैं। तो फटाफट हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को कॉल लगा लीजिएगा, देरी बिल्कुल मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। अभी कुछ देर पहले मैं बैल्कनी में खड़ा था, आपने सामने का पूरा व्यू देखा, एकदम खुला हुआ जो पार्क है उसके ठीक सामने ही आपको 2BHK का फ्लैट मिल रहा है। और अभी मैं किचन में खड़ा हूँ, वेंटिलेशन यहाँ आपको मिल रही है, विंडो पूरा आपको मिलता है, इसके ठीक सामने वही खुला सा जो ओपन मैदान है वो आपने देखा, और एक बेहतरीन 2BHK का फ्लैट जिसमें लिफ्ट है और बाइक पार्किंग है। अगर पसंद आएगा तो देरी बिल्कुल मत कीजिएगा। हमेशा की तरह मैं चाहता हूँ आप घर बैठे हो, आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, लैपटॉप पे हमें देख रहे हो या मोबाइल पे देख रहे हो या टीवी में देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप घर बैठे ही ये समझ सके कि आपको कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। आप आए देखें और इसको फाइनल कर दें। तो लेआउट मैं आपको पूरा समझाता हूँ। यहाँ से आप अपने घर में एंट्री लेंगे, एक फ्लोर पे दो फ्लैट बनाए गए हैं और दोनों 2BHK का फ्लैट्स है। जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो ये आपको ड्राइंग रूम मिलेगा, इस तरफ इसके साथ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, टीवी पैनल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। जब ड्राइंग रूम से आप आगे चलेंगे तो यहाँ सेपरेट आपको एक बेडरूम मिलता है, इसमें हम लोग ने ड्रेसिंग टेबल दे दिया है, वार्डरोब दिया है और वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट भी दे दी गई है। और यहाँ आपको किचन मिलता है और इस तरफ आपको मिल जाता है आपका सेकेंड बेडरूम, इसके साथ हम लोग ने इंडियन सीट लगाया है। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप सस्ते प्राइस में एक अच्छा सा फ्लैट चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको सस्ते प्राइस में लोन पे दिल्ली में घर चाहिए तो सिर्फ एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड दे सकता है, जो दिल्ली जैसे शहर में आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस में फ्लैट लेके आता रहता है। शुरुआत कर लेते हैं अपने ड्राइंग रूम से। जैसे आप एंट्री लेंगे तो इस तरह का ये पूरा आपको ड्राइंग रूम मिलेगा, मैं टीवी पैनल दिखा देता हूँ फिर सोफा का स्पेस दिखाऊंगा। यहाँ देखिए इस तरह का बड़ा सा टीवी पैनल आपको मिल जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ प्रोफाइल लाइट हम लोग ने यूज़ किया है और साथ में ऊपर की अगर आप डिज़ाइन देखें तो ये देखिए इस तरह का हम लोग ने वॉलपेपर यूज़ किया है, बेहद ही खूबसूरत टीवी पैनल 2BHK के फ्लैट्स में। ये सारे यहाँ स्लॉट्स दिए गए हैं जिसमें आप अपना कुछ सजाने का सामान रख सकते हैं, और इससे जब आप इस तरफ आएंगे तो आप चाहें तो इसे मंदिर बना सकते हैं, और इसमें भी अलग अलग स्लॉट्स दिए गए हैं, या आप इसको बुक सेल्फ की तरह यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको क्रॉकरी आइटम रखने के यूज़ में ला सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ यहाँ पे ये पूरा जगह बनाया गया है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ जो इस तरह का आपको सिटिंग मिलती है, ये सोफ़ा का आपको स्पेस मिलता है, बीच में कॉफ़ी टेबल भी है, इसमें 4 से 5 आदमी बहुत आराम से आप बैठ सकते हैं। ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसमें हम लोग ने वॉलपेपर यूज़ किया है और साथ में यहाँ इंटरकॉम दिया गया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपसे मिलने आएंगे आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, यही बटन है इसे प्रेस करेंगे तो पार्किंग का दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाएगा। अब बात एक चीज़ और भी करूँगा फॉल सीलिंग की। जब कोई आते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम ड्राइंग रूम में आप बैठ के बिताते हैं, तो इसका खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, जिसमें फ़ैन भी है और साथ में दो जो फैंसी लाइट्स है वो भी हम लोग ने यूज़ किया है। इसी के साथ आपको मिलता है यहाँ कॉमन वॉशरूम, इसमें अभी जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो लगनी है वो सारा हम लगा के देंगे, चाहे वो सीट की बात हो, शावर की बात हो या टैप की बात हो, वो सारी चीज़ हम आपको लगा के दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, आपको एक अच्छा सा स्पेस मिलता है मूवमेंट के लिए। ये देखिए ये पैसेज आपको मिल रहा है,
एक बार मैं चाहूँगा आप ऊपर की डिज़ाइन दिखाएं। देखिए इस तरह का ये पूरा आपको डिज़ाइन मिल रहा है, ऊपर सीलिंग की डिज़ाइन बनाई गई है, यहाँ नाइट लैंप भी दिया गया है और साथ में यहाँ आपको मिलता है एक अच्छा खासा बेडरूम किंग साइज़ का। हम लोग ने यहाँ पर बेड लगाया है, दोनों तरफ पफी लगाए गए हैं, आप स्मॉल टेबल कह सकते हैं वो लगाया गया है, उसके बाद भी मूवमेंट के लिए आपको जगह मिल रही है। वॉलपेपर यहाँ हम लोग ने यूज़ किया है और इसके ठीक सामने ऊपर जो सीलिंग की डिज़ाइन है वो देख लीजिए, इसमें कॉब लाइट एलईडी लाइट्स यूज़ की गई है। और वेंटिलेशन के लिए मैं जो आपको पहले बात कर रहा था वो दिखाता हूँ, यहाँ इस तरह की जो बड़ी सी विंडो है वो आपको मिल जाती है, यहाँ आप अपना विंडो एसी भी लगा सकते हैं और साथ में ड्रेसिंग टेबल और वार्डरोब भी आपको मिल जाता है। कहाँ, यहाँ देखिए इस तरह का बड़ा सा आपको वार्डरोब मिलता है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए अच्छा खासा डीप स्टोरेज आपको यहाँ मिल जा रहा है और यहाँ ड्रेसिंग टेबल मिलता है, जो लुकिंग ग्लास है वो लगाए गए हैं और साथ में ये सारे स्लॉट्स दिए गए हैं, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई आइटम इसमें आप रख सकते हैं। ऊपर भी यहाँ आपको स्पेस मिलता है और इसके ठीक नीचे भी दो ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ से आपको लिए चलता हूँ नीचे और दिखाता हूँ कि जहाँ पे आप अपनी बाइक पार्क करेंगे घर के सामने की जो रोड होगी वो कैसी होगी, फिर आगे की वीडियो देखेंगे। आइए दिखाता हूँ पूरा पार्किंग, थोड़ा पीछे जाइए आप राहुल। इस तरह का पूरा आपको डिज़ाइन यहाँ देखने को मिल रहा है फॉल सीलिंग की, और चूंकि आपका ये पूरा स्पेस मिल रहा है, फॉल सीलिंग की डिज़ाइन अच्छे मिल रही है, इसका लुक अच्छा आ रहा है, तो इसमें स्मॉल गैदरिंग, पूजा पाठ है, बर्थडे है, कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पे जो टाइल्स भी यूज़ किया है, हाफ वॉल तक हम लोग ने इसमें टाइल्स लगाए हैं और ऊपर पेंट किया गया है। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप डिज़ाइन दिखाएं। ये आपका फॉल सीलिंग की डिज़ाइन अभी आप देख रहे हैं और यहाँ आपको मिल जाता है मेन एंट्रेंस। मैं आपको इसके सामने जो रोड मिलती है वो दिखाता हूँ। आइए, ये सामने इस तरह की चौड़ी सड़क आपको मिल जाती है। देखिए ये पूरा एक अच्छा सा रोड आपको मिलता है, उसके ठीक सामने इस तरह की ब्यूटीफुल आपको एलिवेशन मिल जाती है। अब आइए चलते हैं फ्लैट के अंदर और बेडरूम किचन रह गया है वो देखते हैं। आइए किचन देखते हैं, यहाँ देखिए इस तरह का ये पूरा आपको किचन मिल जाता है। सामने आपको विंडो मिलती है यहाँ वेंटिलेशन के लिए और ये सारे आपको ड्रॉर्स मिल जा रहे हैं, यहाँ भी स्पेस है और इस तरफ दिखाई राहुल, यहाँ भी आपको स्पेस मिलता है। साउंड प्रूफ सिंक हम लोग ने लगाया है यहाँ पे, बहुत तेज से भी बर्तन रखेंगे तो साउंड नहीं आएगा। ये जो पत्थर है इस तरह का हम लोग ने यूज़ किया है, कुछ कटिंग चॉपिंग भी करेंगे तो स्क्रैच नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगा के दे रहे हैं और उसके ठीक ऊपर इस तरह की जो सीलिंग की डिज़ाइन है वो मिल जाती है। यहाँ लाइट का अच्छा खासा प्रोविज़न दिया गया है, हालांकि विंडो है, आपको इस लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये रहा आपका सेकेंड बेडरूम, इस पर ये पहले वॉशरूम दिखाइए आप। इंडियन सीट यहाँ पे हम लोग ने लगाया है इसमें और वेंटिलेशन के लिए भी इसमें विंडो मिल जाती है जो बैल्कनी की तरफ ओपन होती है। और ये आपको बेडरूम मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग ने वॉलपेपर यूज़ किया है, किंग साइज़ का बेड लगाया गया है और उसके ऊपर फॉल सीलिंग की जो डिज़ाइन है वो देख लीजिए। तो बहुत ही प्यारा सा 2 BHK का फ्लैट है। अगर अभी तक आप ओपननेस ढूंढ रहे थे अपने 2 BHK के फ्लैट्स में तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखिए इसे मैंने ओपन किया तब भी आपको यहाँ पे सनलाइट मिल रही है, विंडो है ऊपर, आप विंडो एसी लगा सकते हैं और इसी के साथ आपको बैल्कनी मिल जाती है। यहाँ यहीं से हमने वीडियो की शुरुआत की थी और फिर से मैं बैल्कनी में ला के आपको वीडियो के एंड पे आ गया हूँ। तो सर एंड मैम दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और जो मैं आपको ओपन फील्ड दिखा रहा था, मे बी उसमें पार्क बन सकता है, वो ये सामने रहा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।